13 अप्रैल 1984 भारत के सैन्य अभियानों में एक ऐतिहासिक दिन था जिसने सफलता का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा, जिसने पिछले 4 दशकों से भारतीयों को रोमांचित किया है। सियाचिन में चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत सैन्य इतिहास का एक अविस्मरणीय गाथा है। 1984 ऑपरेशन मेघदूत की जड़ें भारत के विभाजन से जुड़ी है, जिसमें 1940 के दशक के अंत में कश्मीर पर भारत पाक युद्ध के दौरान सामने आई। 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए कराची समझौते के बाद अविभाजित कश्मीर में एक नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना की गई, जो NJ 9842 नाम के बिंदु से उत्तर की ओर फैली हुई थी, जो कथित तौर पर सियाचिन ग्लेशियर, रिमो और बाल्टरो सहित ग्लेशियरों तक पहुंचती थी। लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा, जो वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने लिखा, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि सैन्य अभियान NJ 9842 से आगे बढ़ सकता है। किसी भी मामले में युद्ध विराम रेखा पूरी तरह से अस्थायी थी। जनमत संग्रह के बाद यह अप्रासंगिक हो जाएगी। इस प्रकार हमने NJ 9842 से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक एक सीधी रेखा खींची थी। 1982 में तत्कालीन उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल छिबर को पाकिस्तान से एक विरोध पत्र मिला, जिसमें भारत को सियाचिन से दूर रहने की चेतावनी दी गई। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया और 1983 की गर्मियों के दौरान ग्लेशियर पर गश्त जारी रखने का फैसला किया। जून और सितंबर 1983 के बीच दो मजबूत भारतीय गश्ती दल ने ग्लेशियरों को पार किया, यहाँ तक कि एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई। इसका पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों के बीच विरोध और प्रतिविरोध पत्रों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इस दौरान भारतीय खुफिया जानकारी को पाकिस्तान के इरादे के बारे में पता चल गया, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सियाचिन पर आक्रमण शुरू करने की तैयारी की खबरें भी शामिल थी। यह पता चला कि पाकिस्तान यूरोप से उच्च ऊंचाई वाले गियर कपड़े खरीद रहा था। एक बार जब पाकिस्तान के इरादे स्पष्ट हो गए, तो भारत ने पाकिस्तान को सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने से रोकने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। ऑपरेशन मेघदूत लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिबर, लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन और लेफ्टिनेंट जनरल शिव शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। साल टोर्रिस पर कब्जा करने के लिए 10 से 30 अप्रैल के बीच ऑपरेशन शुरू करने की योजना तैयारी की गई थी। ब्रिगेडियर विजय चन्ना को ऑपरेशन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया और शुरुआत के लिए 13 अप्रैल बैसाखी का दिन चुना गया। पाकिस्तान को शायद यह अनुमान नहीं था कि भारत इस दिन ऑपरेशन शुरू करेगा। ऑपरेशन को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जब तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। गंभीर परिस्थितियों और ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफान की संभावना के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अटूट साहस और बेहतर रणनीति के साथ इन कठिनाइयों का सामना किया। पहला चीता हेलीकॉप्टर कैप्टन संजय कुलकर्णी और एक सैनिक को लेकर 13 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे बेस कैंप से उड़ा। दोपहर तक ऐसी 17 उड़ानें पूरी की गई, जिसमें 29 सैनिकों को बिला फोर्ट ला तक पहुंचाया गया। जल्दी मौसम खराब हो गया और मुख्यालय से संपर्क टूट गया। संपर्क 3 दिन बाद स्थापित हुआ, जब 5 चीता और 2 MI-8 हेलीकॉप्टरों ने 17 अप्रैल को सियाचिन ला के लिए रिकॉर्ड 32 उड़ानें पूरी की। इस प्रकार भारत ने बिलाफोर्डला और सियाचिनला पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसे पाकिस्तानी सेना के लिए इन रणनीतिक स्थानों तक पहुंचना असंभव हो गया। पूरे ग्लेशियर को जल्दी सुरक्षित कर लिया गया। दुश्मन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया था और लगभग 3,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जिसे पाक और US की ओर से प्रकाशित मानचित्र पत्रों पर अवैध रूप से POK के हिस्से के रूप में दिखाया गया था, अब हमारे नियंत्रण में था। दुश्मन के सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के प्रयासों को शुरू से ही विफल कर दिया गया था। आज भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण बनाए रखा है, जो ऑपरेशन मेघदूत की विरासत का प्रमाण है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय बना हुआ है, जो वीरता, कौशल और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। इसने भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया और पाकिस्तान की आक्रामकता को रोका। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण जो ऑपरेशन मेघदूत का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो ये था ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।